ताजा ताजा सेब की गंध लिए वो लौटे थे बंजार से। बंजार हिमाचल में एक छोटी सी जगह है। तो ताजा ताजा सेब की गंध लिए वो लौटे थे बंजार से कि मैंने धीरे से पूछा कि अब की सेब की फसल कैसी रही वरे आम जी। खराब, उन्होंने कहा, और फिर जोड़ा कि जो बच गई थी उसे भी पक्षियों से डर है। पक्षियों से डर? हाँ हाँ, पक्षियों से डर। वो झुंड के झुंड कुछ इस तरह आते हैं जैसे वो उन्हीं का बाग हो। और मुश्किल ये कि पक्षी का जूठा किया सेब कोई पूछता तक नहीं बाजार में। कहकर वो हो गए चुप। पर मैंने सुना कि उनके होंठ कुछ बुदबुदा रहे हैं कि बाग चाहे मेरा हो पर सेब तो उन्हीं के हैं। मैंने देखा कि उस समय उनका पहाड़ी चेहरा लग रहा था पुष्किन के किसी छंद की तरह। ताजा ताजा सेब की गंध लिए वो लौटे थे बंजाल से।